हनुमानगढ़ में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर देह शोषण का आरोप लगाया है। आरोपी पीड़िता के सगे रिश्तेदार का मित्र बताया जा रहा है और इस मामले में स्थानीय पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने पुलिस उपाधीक्षक से इस पूरे एक मामले में न्याय की गुहार लगाई और मीडिया से बातचीत के दौरान युवती ने बताया कि आरोपी उसके जीजा का मित्र है। आरोप है कि युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया और जब युवती ने शादी की बात कही तो वह बहाने बनाने लगा। जब युवती ने उसके घर पर फोन किया तो पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। महिला थाने का मुकदमा नंबर 112, जिसमें एक महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया बलविंदर कुमार और बिंदु जगदीश सनोप जगदीश जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया। अनुसंधान में ये पाया गया कि इस महिला के साथ 2-3 साल तक ये मित्रता में रहा और इसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा, शादी का झांसा देता रहा। बाद अनुसंधान अपराध प्रमाणित पाया गया, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, घर से ये फरार है, दबिश दी जा रही है।